हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहे, क्योंकि मैं तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लाइक बहुत कम करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहा करें, लाइक का बटन दबाते रहा करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करते रहा करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? तो 37 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तीन ब्लॉक होते हैं ना, उसमें पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ? तो आपका 16 अगस्त 2018 में, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर अभी पूछा गया तो आगे भी एक दो बार रिपीट जरूर होगा। नेक्स्ट आपका, दंगल मूवी किस फैमिली के ऊपर बनाई गई है? ये फोगाट फैमिली, आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी आया था आपका। नेक्स्ट आपका, पोरी फेरा जंतु जगत में कौन से संघ पर रहता है? तो ये पहले संघ पे रहता है, ठीक है। मिस्टर ओलंपिया 2017 किसने जीता? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इंद्रावती डैम कौन से स्टेट में है? तो ये उड़ीसा में हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, यहाँ पे आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, सत्य नाडेला राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में आपका कोई सीईओ नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है और किसी में नहीं पूछा जा रहा है, तो याद तो आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे की नई यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? वडोदरा में बनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है ये, और ये एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, जब एग्जाम का एनालिसिस मैंने किया था उसमें भी आया था ये, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद के मालिक कौन है? कलानिधि मारन और एक है आपका सन टीवी नेटवर्क। तो इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया होगा तो वो आपको लगाना था, ठीक है। लो कमीशन के चेयरमैन कौन है? बलबीर सिंह चौहान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब में भारत की सबसे पहली मूवी कौन सी रिलीज हुई है? गोल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, देख लेना आप, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और मैं बोलूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जा चुके हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका अगर एएलपी टेक्नीशियन का आप एक बार रिवाइज करके देख ले सारी एनालिसिस को, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एएलपी एनालिसिस ऑल वीडियोज़ के नाम से, उसको देख लीजिए तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और जो भी मैंने 15 वीडियो का क्रैश कोर्स बना था, अगर आपने वो भी देख रखा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चन उन 15 जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी क्रैश कोर्स में से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक बार देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे वाटर का पीएच मान पूछा गया, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। विराट कोहली ने अभी तक वनडे में कितने शतक लगाए हैं? तो ये हो जाएगा आपका 23 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूए की राजधानी यहाँ पे पूछी गई है, तो अबू धाबी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हिंदुस्तान एरोटिकल लिमिटेड का चेयरमैन कौन है? तो ये आपका हो जाएगा टी सुवर्णा राजू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, राजस्थान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन है? तो मनरिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, डेसिबल किसकी यूनिट है? तो ध्वनि की हो जाएगी, साउंड की, ठीक है, ये आपका पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके जो रिपीट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अस्काबाद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईटीए अवार्ड 2017 किसने जीता? एकता कपूर ने, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अपना गांव अपना विकास किस राज्य से संबंधित है? ये आपका राजस्थान से है, ठीक है। कर्नाटका के वाइस चीफ मिनिस्टर आपके कौन है? डॉक्टर जी परमेश्वरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है? पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है, ठीक है। बंधन बैंक के सीईओ यहाँ पे पूछ ले गए हैं, चंद्रशेखर घोष राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी शिफ्ट में एक सीईओ पूछा गया है तो वो ये नहीं कि पूरी की पूरी इंडिया में एक ही पूछा गया होगा, किसी रीजन में आपका अलग पूछ लिया गया और किसी रीजन में अलग पूछ लिया गया, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो कई बार एक ही शिफ्ट में कई सीईओ आ जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि इतने सीईओ पूछे जा रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पूछने का। और ये होता है कि देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें फर्स्ट शिफ्ट के भी हैं, सेकंड शिफ्ट के भी हैं, पूरे दिन का आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए ना, कि ये थर्ड शिफ्ट में ही आए हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं थर्ड शिफ्ट के ही क्वेश्चन लेके आऊँ? यार बड़ी मेहनत से क्वेश्चन निकाल के लेके आते हैं, इधर उधर से इतने सारे पूछ के, कम से कम भी एक एक दो दो घंटा फ़ोन पर बात कर करके, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब कुछ इकट्ठा करने में, और आपका एक कमेंट आता है कि ये तो फेक है और ये तो ये है और वो है, ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता जब आप ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। फूल में नर जनन को क्या कहते हैं? पोलेग्रेन कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट आपका गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, द ओविलिस्क गेट के राइटर कौन है? एन के जेम्सिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका एक गुलाम वंश बहुत बार पूछा जा चुका है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका बाहुबली मूवी में देवसेना का रोल किसने किया? ये अनुष्का शेट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाहुबली मूवी से 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक बार तो इनके जितने भी, वैसे मैंने सारे बता दिए हैं अगर आपने सारी एनालिसिस देखी होगी, ठीक है, तो एक बार और आप देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं उनके रोल, मतलब इनके ओरिजिनल नेम याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो T20 में 5 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? युजवेंद्र चहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूती चंद ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ये भी ठीक है, एथलीट है, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी दोबारा आ सकता है। नीति आयोग के डायरेक्टर कौन है? दिनेश अरोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, ये राइट आंसर हो जाएगा। गीता शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके जीके के और आपके साइंस के जितने भी मुझे मिल पाए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आज रात को मिलेंगे, तो मैं आपको कहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा? टेलीग्राम में। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ये है और इसको टेलीग्राम ऐप बोलते हैं। टेलीग्राम ऐप जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे ही होता है। इसको डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए 64,000 बच्चे जुड़ चुके हैं और वो सभी पीडीएफ लेयर भी रहे हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपके पास ये है तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे, अगर नहीं है तो सबसे पहले आप डाउनलोड करके वहाँ पे फिर टॉपिक स्टडी आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं और चैप्टर तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट कंक्लूजन मैक्सिमम, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलोगिज्म वाला चैप्टर जो है, और वेन डायग्राम, ये तीन चैप्टर अगर आप करके चले गए, ठीक है, क्लोक भी ले लीजिए, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन मतलब आते ही आता है, अगर ये आप चैप्टर करके चले जाते हैं तो कम से कम आपके 15 से 16 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर को पढ़ लीजिए और इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपसे होगे नहीं। ठीक है, अगर आपने मेरी रीजनिंग की वीडियो देख रखी है, और सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं उनमें से बहुत सारी तो आपकी साइंस मिल रही है और बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं। जब बच्चे कमेंट करते हैं तो बड़ा मतलब प्राउड फील होता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो के लिंक दे रखे जितने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से एनालॉगी और सीरीज और मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। काउंटिंग फिगर से भी एक क्वेश्चन था, ये मैं बता देता हूँ आपको। काउंटिंग फिगर से इस टाइप का क्वेश्चन था। वैसे हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजन में भी एक दो क्वेश्चन, मतलब ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन, ये नहीं होगा कि हर एक रीजन में हर एक स्टेट में यही होगा, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताने थे। तो मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरीके से आपको चाहे जितनी भी कट करके दे रखा हो, उसमें चाहे जितनी भी लाइनें खींच रखी हो, आपको बस एक ही काम करना है, उनको काउंट कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इनको करने के बाद बस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके साइड में एक और जुड़ा होता और उसमें भी इसी तरीके से आपका होता तो उसमें भी आपको यही करना था, तो कितने हो जाते 16, और प्लस 2 ये और करने थे आपको। जितनी बार भी ये जुड़ते चले जाएंगे 2 एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक था आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन। ठीक है, वोटर इमेज से तो शायद नहीं था, पर मिरर इमेज से था। एक्चुअली मुझे ये नहीं पता किस चीज़ का मिरर इमेज पूछा था, तो मैंने वैसे लिख लिया राजू। ठीक है, राजू का अगर मिरर इमेज बनाते हैं हम तो किस तरीके से बनेगा? भाई यू सबसे पहले लिखा है तो यू को आप वैसे का वैसे लिख देंगे। जे आपका दूसरे नंबर पे लिखा है। अब जे की जो डायरेक्शन है, जे की जो डायरेक्शन है, जो इसका फेस इधर को मुड़ा हुआ है, तो ये आपको देखना है कि मिरर यहाँ पे रखा है और उसका जो फेस है वो दूसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको इधर भी ऐसे ही करना है, यानी कि मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो ये मुड़ा हुआ भाग है वो दूसरी डायरेक्शन में करना है। ए को आपको वैसे का वैसे रख देना है और आर को भी अगर आप देखेंगे तो मिरर की तरफ, ये मिरर हो गया आपका। ठीक है, ये आर हो गया और ये मिरर हो गया। ठीक है, तो मिरर की तरफ इसका कौन सा पार्ट है? ये वाला, तो आपको यही वाला पार्ट आपको मिरर की तरफ लेके आना है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मिरर इमेज का मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन है, बड़ी मुश्किल से मैंने एक बच्चे से पूछ पाछ के थोड़ा बहुत मतलब ये कलेक्ट किया है। अब इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया है, जैसे ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी मेडल जीत कर ला रहे हैं तो क्या हमें बच्चों को ओलंपिक भेजना चाहिए? देखिए क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज ये शायद ना हो, बट इस तरीके का क्वेश्चन था और उसमें निष्कर्ष क्या क्या थे। हाँ, इससे
इससे सॉरी इससे दो बार हो गया, इससे भारत को और भी मेडल मिलेंगे। तो सही बात है, अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा उनको खेलों की तरफ को, तो ये बिल्कुल हो जाएगा कि ज़्यादा मेडल आएंगे। ठीक है, एक था नहीं इससे बच्चों की पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं वाली इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव वाली बात हो कर दी, तो ये वाला नहीं होगा। और एक्चुअल में पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं है ना, तो इसलिए हम इसका कंक्लूजन सही से निकाल नहीं सकते। बट मैं आपको एक आइडिया दे दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी थी। एक था आपका शायद एक क्वेश्चन था जिमनास्ट पे, ठीक है, तो जिमनास्ट में भी आपका वही था कि अगर बच्चों को जिमनास्ट के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। मतलब उसी तरीके से एग्जैक्ट में क्वेश्चन नहीं पता चलता है, ऑनलाइन एग्जाम है। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी देता हूँ तो इसका भी आप समझिए कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था सबकी कंडीशन वाला, यानी कि ऑल वाली कंडीशन वाला, जिसमें डायग्राम के ऊपर डायग्राम वेन डायग्राम बनता चला जाता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे डब्बे लिखे हैं तो वहाँ पे तो सेब लिखे थे, अब इस चीज़ से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल समझिए यही वाला था, ठीक है, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, सभी डिब्बे कलम हैं और सभी कलम कागज हैं। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा सा बना लेंगे एक वेन डायग्राम, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं और सभी डिब्बे के जो हैं वो कागज कलम है सॉरी, और सभी कलम कागज है। ये वाला डायग्राम बनाने के बाद में आपको जो निष्कर्ष दिए गए थे कुछ इस तरीके से दिए गए थे, कुछ कागज पुस्तकें हैं तो कुछ कागज पुस्तकें हो जाएंगी भाई, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक है आपका, ये पुस्तक हो गया, और जो सबसे बाहर वाला डायग्राम है जो आपका वेन डायग्राम, ये आपका कागज है, तो वेन इसके अंदर ये कागज के अंदर पुस्तकें हैं, तो कुछ वाली तो हो जाएगी कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, सभी पुस्तकें कागज हैं तो सभी की सभी पुस्तकें किसके अंदर है डब्बे, और डब्बे किसके अंदर है कलम के, और कलम किसके अंदर है कागज के, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सही हो जाएगी। कुछ कलम पुस्तकें हैं तो कुछ कलम जो है आपकी, जो कुछ कलम है वो पुस्तकें हैं, तो कुछ वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले पुस्तकें हैं, उसके अंदर मतलब डब्बे के अंदर पुस्तकें, और फिर डब्बे को भी कवर किसने कर रखा है सॉरी कलम ने। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, तो ये तीनों राइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको ईजिली कर लेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे, ठीक है, बीच में आगे मैं आपको बता देता हूँ, लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सौरभ मलिक सर्च करके देख लीजिए कोर्स, रीजनिंग का भी है और आपका मैथ का भी है, क्रैश कोर्स बना रखा है जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बात कर रहा हूँ और किसी की भी नहीं कर रहा हूँ। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सॉरी सौरभ मलिक सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, 25 और 55 और 115 कुछ इस तरीके की सीरीज थी, और इसमें आपको बताना था यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 की प्लस 5 में करेंगे तो 25। ठीक है, उसी तरीके से 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 की प्लस 5 करेंगे आपका 55। उसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे तो 115, और 115 की 2 में करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो 225 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही इसी तरीके का कुछ पैटर्न चल रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा 225। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन था आपका ये वाला कि ए जेड बी वाई डी डब्ल्यू ई वाई कुछ इस तरीके से आपका एनोलॉजी लिखी हुई थी, और ये आपको बताना था नेक्स्ट क्या आएगा। तो इसमें क्या चल रहा था, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ए में से अगर माइनस सॉरी प्लस 3 कर देते हैं तो डी होगा भाई, ए पहले नंबर पे आता है और डी आपका कितने पे आता है चौथे नंबर पे आता है, तो प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप माइनस 3 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो फिर आपका ई आ जाएगा, और माइनस 3 करेंगे तो आपका वी आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना था एच एस आई आर में, प्लस 3 तो के, माइनस 3 तो पी, प्लस 3 तो एल, और माइनस 3 तो आर सॉरी ओ, तो R में से O माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा KPLO राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन था आपका छात्रों और गायकों और नृत्यकों में वेन डायग्राम आपको बताना था, यानी कि इन तीनों में का आपको एक वेन डायग्राम बनाना था। भाई देखिए, कुछ छात्र गायक भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ गायक मतलब कि दोनों के दोनों छात्र, जो 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 छात्र गायक होंगे और जो छात्र होंगे वो दोनों नृत्यक भी हो सकते हैं। तो आपका ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है, वेन डायग्राम, यानी कि कुछ कुछ वाली कंडीशन इन सब में हो जाएगी। तो इसको तो आप इजीली बना ही लेंगे, कोई ज़्यादा खास इसमें था नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में आपके मैं चैप्टर बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन नहीं भेज पाते हैं, अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप मेरे से बात करना और मुझे बताना कि क्वेश्चन आप कितने याद रख पाते हैं और कितना आप मतलब बता पाते हैं। मैं कम से कम भी 30-40 बच्चों से हर शिफ्ट में बात करता हूँ और उनसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, सर याद नहीं रहा है, याद नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल मुश्किल से मतलब उनसे ऐसा लगता है कि उगलवाना पड़ रहा है,
मतलब टाइम टाइम एंड वर्क में किस टाइप का क्वेश्चन था, किस टाइप का था, इस तरीके से पूछ पूछ के उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। तो आप देख लेना, याद नहीं रहता है, वो मुझे भी पता है, बट थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, बस उसी के हिसाब से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क हो गया आपका, पाइप एंड सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन से आज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इन दोनों से तो आ ही रहे हैं, मेंसुरेशन से भी आए हैं, एज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर रूट, एचसीएफ, एलसीएम आपका हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री और मीन मीडियन मोड से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर। अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपको दे रखा था यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा था और बेस की आपको दे रखा था वैल्यू, ठीक है। वैसे तो ये कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, बट जैसे बच्चे ने बताया मैंने वैसे ड्रॉ कर लिया एक ये पूरा का पूरा डायग्राम। और आपको क्या निकालना था इसमें, इसमें आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू पता है, बेस की पता है, तो आप ये वाला टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 100 अपॉन में 100√3 आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये इतना काम कर लेंगे, 100 से 100 कटेगा तो कितना बचेगा, 1/√3। तो 1/√3 आपकी 10 की कितने वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो आपका सीधा सीधा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ हर बार हर शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था आपका 15,000 की साधारण सॉरी धनराशि पर 5 वर्ष में 4,500 रुपये जो है साधारण ब्याज लगता है, तो दर क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक SI का फॉर्मूला होता है, P:R:T/100, सभी को पता होगा, बस यही अप्लाई करना था। SI आपको दे रखा था 4,500, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन आपको दे रखा था 15,000, ये भी थी, ठीक है। R आपको निकालना था और टाइम पीरियड दे रखा था 5/100 आपको करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये सॉरी यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, तो ये क्या बचा है यहाँ पे नीचे 10। तो 5 से कट करेंगे 2 टाइम और 5 से कट करेंगे 3 टाइम, यहाँ पे क्या होगा, इनकी क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 × 90 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 6%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत भी आ रहे हैं, मैं देखूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये एक भी ऑप्शन में नहीं था, तो कई क्वेश्चन गलत भी हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, गलत का आपको सही आंसर मतलब सॉरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए एक बच्चे ने बताया बिल्कुल सिंपल यही क्वेश्चन बताया उसने कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना था, सीधा सीधा एलसीएम लेना था, कितना आ गया 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 3 और 2 यूनिट वर्क करते हैं वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 + 2 और 24 को, यानी कि एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा उनका 5 यूनिट, और 24 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 complete 4/5 days आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एक बच्चे ने बताया तो मैंने आपको बता दिया। एक था आपका 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े या छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या जोड़े, आपको वहाँ पर बस एक्स जोड़ देना है, ठीक है, एक्स जोड़ देना है, यानी कि आपके पास पहले वाली संख्या क्या थी, 7 और 13 थी, 7 और 13 आपने लिखा, उसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़े, तो आपने क्या किया, दोनों में एक्स जोड़ दिया कि ये वाला रेशो बन जाए, ये वाली संख्या बन जाए, तो इस वाली संख्या के उसको इक्वल रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वो छोटी से छोटी संख्या एक्स मान के जोड़ दी, और फिर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो आपने इतना काम कर लिया, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 3 की इधर करेंगे कितना हो जाएगा 21, और 3x इधर करेंगे तो 26 और 2x, तो यहाँ पे x वालों को एक साइड में लेके आएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा, और इधर ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू आपकी 5 आएगी, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी, कि वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी क्या जोड़ी जाए, तो आपका ये राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक दोस्तों देखिए ये स्क्वायर रूट के हैं, स्क्वायर रूट के आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो कैसे करना है भाई, आप मान लीजिए आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब मैंने क्या बोला, लास्ट वाले का 2 का अलग पेयर बना लीजिए, और जो बचे उनका 1, चाहे वो 2 बचे 3 बचे 1 बचे, जितने बचे उनका एक अलग पेयर बना लीजिए, फिर लास्ट वाले में भी आपको इसको हटा देना है, और जो लास्ट में रखा है इसको देखना है आपको किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 6 आपका 4K और 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है भाई, ठीक है ना, 4 चौक 16 और 6 छंग 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है ना दोनों के, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 6, आपका इतना काम खत्म हो गया। अब आपको क्या देखना है, इससे छोटा
इससे छोटा स्क्वायर किसका है? 376 से छोटा स्क्वायर आपका 19 का होगा, क्योंकि बड़ा अगर कर दें हम तो ये तो आपका 20 का अगर स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, छोटे वाला ही लेना है। तो आपका पहला तो आंसर यानी कि आंसर का आधा पार्ट तो आ चुका है 19। अब लास्ट में 4 लिखे या 6 लिखे ये हमें चेक करना होगा, ठीक है। अगर 4 लिखेंगे तो आप ये देखिए कि ये किसके स्क्वायर के पास में है। देखिए स्क्वायर वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब एक छोटी सी ट्रिक और सीख लीजिए अगर आपको इतना चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। ये 19 तो आपका आधा आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 19 से नेक्स्ट क्या आता है, 20। 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 में तो कितना होगा, 380। अगर ये 380 इससे बड़ा है तो छोटे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 आप लिख देंगे तो 19 4, यानी कि 194 आपका राइट आंसर आ गया। अगर ये 380 से यानी कि 376 से छोटी आती 19 की मल्टीप्लाई 20 में तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला है, इसमें दो पेयर बनाए, ये दो अलग से पेयर बन गए, इसको कट कर दिया, किस किस के स्क्वायर में आता है, 3 के और 7 के। यहाँ तक इतना काम हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो इससे छोटा स्क्वायर किसका होगा, 9 का, क्योंकि 10 का करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 का आपने लिख लिया, यानी कि पहला आंसर तो आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 9 से नेक्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 9 से नेक्स्ट 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 90। अगर ये इससे छोटा आता है तो बड़े वाली संख्या, छोटा आता है तो बड़े वाली संख्या, छोटा आता है तो बड़े वाली संख्या, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिख देना है 97। तो राइट आपका आंसर हो गया 97। भाई समझ में आ गया ना, ये ट्रिक मैंने थोड़ी सी अलग कर दी जो मैं अभी आपको सिखा रहा था ना, क्योंकि बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आ रही थी। तो आशा करता हूँ कि ये वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन रोज पूछा जा रहा है। भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले दो पेयर बनाने हैं स्क्वायर रूट में, और जो जितने बचे उनके अलग बना दीजिए, इस वाली संख्या को काट दीजिए, इस वाली को देखना है किस किस के स्क्वायर में आता है, ठीक है। ये 3 के और 7 के स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब आपका आधा काम हो चुका है, अब आपको क्या करना है, इससे छोटा स्क्वायर ले लीजिए, बस इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जिस इससे छोटा 9 का है तो आधा आंसर तो आपका आ गया, बस इससे छोटा आधा आते ही आधा आंसर आ गया आपका ये। अब आपको ये देखना है कि लास्ट में 7 रखें या 3 रखें, तो इससे नेक्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90। अगर 90 इससे छोटा है तो बड़े वाली संख्या, अगर 90 से बड़ा मतलब 94 से बड़ा होता तो छोटे वाली संख्या, तो 97 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन है एज का, हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है, यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो यहाँ पे हेमा और श्याम की आयु आपने लिख ली 3:5 है, ठीक है। यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है तो इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो रेशियो में तो 2 है, बट एक्चुअल में दिखा कितना रहा है, 8 साल का दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि कम है तो इसका मतलब डिफरेंस आ गया ना भाई, वो 8 साल का 8 ईयर का हो गया, और जो इनकी एज का जो रेशियो का डिफरेंस है वो केवल 2 का है, तो 2 इक्वल कितना हो गया आपका, 8 हो गया, तो 1 इक्वल वोट आपका हो जाएगा 4, तो 1 के इक्वल आपको वैल्यू मिल गई है। तो अब पूछा क्या है, बताओ श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो श्याम की आयु आज कितनी है, 5 की 4 में करिए 20 हो जाएगा, 5 और 20, और 4 वर्ष बाद की पूछा है तो 4 प्लस कर दीजिए, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, लगातार मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे गलती होती है तो उसे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि यार एनालिसिस में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन कलेक्ट करो, उसे जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करो, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। आप खुद इतने अच्छे मतलब इंटेलिजेंट हैं और सब कुछ समझदार हैं कि इतनी चीज़ आप सब समझते हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ एनालिसिस में हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी किसी से पूछे गए हैं, ठीक है, लिख के लेके आया हूँ, एकदम से वीडियो भी बनाई है, तो इसमें थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो आप इतना मतलब हाईलाइट मत किया करें उसे, वो राइट आंसर उसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट अभी तक नहीं परचेज किए हैं, तो अगर आपके पास 4-5 दिन भी हैं, तो क्योंकि अभी चलने वाला है बहुत लंबा पेपर, तो टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं और वो ये बोलते हैं ना कि टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी CBT टेस्ट नहीं लगा रखे आपने, वही आपको झलक जाता है। तो एक बार देख लीजिए इसको ट्राई करके, 120 रुपये में आपको पड़ेगा, 149 रुपीज़ का ये है, ठीक है। सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, बस आपको यही चीज़ बोला है मैंने आज तक, अगर प्राइस में बोला भी है, ठीक है। तो प्राइस इसके 149, इसमें एक डिस्काउंट मिल जाएगा जो ये कोड है डिस्काउंट का, ठीक है, सौरभ SPL भर दीजिएगा, वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 30 टेस्ट आपको मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, मोबाइल पर भी आप वो दे सकते हैं। ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपने लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।